पे माननीय उत्तम पाचार ने बहुत ही भावुकता से अपने शिल्प कला में मानव का प्रेम उतारते हैं। अगर आप देखेंगे हर पत्थर में उन्होंने जान फूंक दी है। इस प्रदर्शनी से दो तीन कलाकृति जिसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो पहला तो वो है जो मानव शरीर आप दो तरफ देख रहे हैं उसमें पक्षी के प्रति प्रेम। जब कोई भी मानव पक्षी के प्रति प्रेम दिखाता है तो कैसे पक्षी उसे अपना समझ कर उनके पास जाता है, उनके गले लग जाता है और उन्हीं के साथ दाने चुगता है। उसी तरह जिस तरह माँ के पास बच्चे जाते हैं और खुश होकर अपना समय व्यतीत करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि उत्तम प्राचार्य जी का जो मुख्य कारण है वो है एक बैल बुल को दिखाना, जो अपने सारे जीवन उस मानव के साथ काम करता है, खेती करता है और एक दिन वो परिवार का सदस्य हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बैल उन्होंने दिखाए हैं वो स्फूर्तिपूर्वक है, काम करने वाला बैल है और लोग अपनी प्रेम की भावना उस बैल के द्वारा दिखा रहे हैं। ऐसा होता है कि जब प्राणी आपके साथ रहता है 20-25 साल रहता है तो प्राणी के प्रति आपकी जो भावना है वो प्रेम द्वारा आप दिखाते हैं और प्राणी भी अपने घर का सदस्य हो जाता है। ये भावना जागृत करने के लिए उन्होंने पत्थर में जान डाल दी है और वही देखने का अनुभव और अनुभूति हमको यहाँ होती है। आपने किसी तरह ये जानकर ये पाया होगा मूर्तियों को देख के कि मुद्रा जो मनुष्य के चेहरे पर आता है वो उत्तम प्राचार्य जी ने लाने की कोशिश की है। कुछ मुद्रा इतने भावुक हैं, इतने मेडिटेटिव हैं कि आप जब उनको देखें तो आप भी ध्यान में उनके साथ एकाग्रित हो जाते हैं, एकचित्त हो जाते हैं और आप उसमें मिल जाते हैं। आर्टिस्ट का सबसे बड़ा सम्मान, आर्टिस्ट का सबसे बड़ा सक्सेस इसी बात से होता है कि वो अपने कलाकृति से लोगों को अपने पास खींचें, उसमें शामिल करें और वह उन भावनाओं में बह जाए। उत्तम प्राचार्य जी ने ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने कलाकृति द्वारा ये भावना व्यक्त की है और मैं उनको अपनी शुभेच्छा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी कलाकृति करते रहें और लोगों का मन भाते रहें, लोगों का मन लुभाते रहें।